नमाज छोड़ना कुफर और शिर के बराबर है वो अकीम उस वला तक मिनल मुशर और नमाज कायम करो और शिरक करने वालों में से ना हो जाओ क्यों क्योंकि वो तो नमाज नहीं पढ़ते या गैर अल्लाह के लिए सजदे करते हैं नमाज छोड़ना ईमान से महरूमी है इबन मसूद कहते हैं जिसने नमाज तर्क की उसका कोई दीन नहीं अबू दरदा कहते हैं जिसकी नमाज नहीं उसका ईमान नहीं और जिसका वुजू नहीं उसकी नमाज नहीं नमाज ना पढ़ना मुनाफ्त की अलामत है वला सलाता वहमसाला वाला वहम का रिहुन वो नमाज को नहीं आते मगर इस तरह के सुस्त होते हैं और खर्च नहीं करते मगर इस हाल में कि नाखुश होते हैं। अल्लाह के रास्ते में सदका करने से गुरेज करते हैं इब्ने उमर कहते हैं कि जब हम किसी आदमी को फजर और इशा की नमाज में हाजिर ना पाते तो उसके बारे में बुरा गुमान करते थे कि शायद वो मुनाफिक हो गया है इमाम अब्दुल कैम रहा कहते हैं नमाज में ये छह सिफात मुनाफ्त की अलामत है नमाज की तरफ जाते वक्त सुस्ती का मुजाह करना नमाज अदा करते हुए लोगों को दिखाना दिखलावा करना उसकी अदायगी में ताखीर करना जल्दी जल्दी ठोंगे मारना उसमें अल्लाह का जिक्र कम करना जमात नमाज पढ़ने से पीछे रहना फिर जान कर नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह की जिम्मेदारी का खत्म होना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानबूझ कर नमाज को तर्क मत किया करो इसलिए कि जो शख्स जानबूझ के नमाज छोड़ता है उससे अल्लाह का जिम्मा खत्म हो जाता है एक नमाज कजा करना बड़े खसारे का बायस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी एक नमाज उससे फौत हो गई गोया उसका माल और उसकी औलाद फना हो गई इतना बड़ा एक्सीडेंट है इतना बड़ा नुकसानदेह है लेकिन हम कभी इसको नहीं समझते कि कितनी बड़ी नुकसान की बात है छोटी छोटी बातों में नमाज छोड़ देते वो क्या मेहमान आ गए थे वो क्या बस ड्राइव कर रहे थे कहीं ना कहीं तो रोक भी सकते थे एक नमाज छोड़ना अमाल की बर्बादी का बायस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज असर छोड़ दी उसके अमाल बातिल हो गए हब अमल यानी नमाज छोड़ना बाकी अमाल बाकी नेकियों को भी जया कर देता है कई लोग है ना वो ये कहते हैं कि हम और जितने अच्छे अच्छे काम करते हैं हम किसी का दिल नहीं दुखाते हम सद का खैरा करते हैं लेकिन क्या हुआ जो नमाज नहीं पढ़ते आमतौर पर उन लोगों की तारीफ ज्यादा की जाती है जो लोगों का ख्याल रखते हैं, लेकिन नमाज पढ़े या ना पढ़े तो ठीक है वो बहुत अच्छी नेकी है लेकिन उस नेकी की हिफाजत तभी होगी जब आप नमाज की हिफाजत करेंगे अगर आपने नमाज की हिफाजत नहीं की तो वो नेकी भी जया हो जाएगी दिलों की सख्ती और गफलत का बायस अब्दुल्ला इबन उमर अबूरा दोनों बयान करते हैं इन दोनों ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मिंबर की सीढ़ियों पर फरमाते हुए सुना लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देगा फिर वो गाफिलों में से हो जायेगा नमाज के वक्त सोने वाले के कान में शैतान का पेशाब करना अब्दुल्ला कहते है नबी सल अलाम के सामने एक शख्स का जिक्र किया गया कि वो सुबह तक पड़ा सोता रहा और नमाज के लिए भी नहीं उठा आपने फरमाया शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया है इब्न तैमिया कहते हैं कि नमाज को छोड़ने वाला चोर बदकार आदमी शराब नोशी करने वाले और नशा करने वाले से भी ज्यादा बदतर है बेनमाजी के लिए मौत की सख्तियां वलतफा मसाक फला सला और पिंडली पिंडली के साथ लपट जाएगी यानी जब जानकुनी का वक्त आएगा उस दिन तेरे रब ही की तरफ रवानगी है सो न उसने तस्दीक की और न नमाज अदा की लेकिन उसने जुटलाया और मुंह फेरा पिंडली का पिंडली से जुड़ना जो है ये सख्ती की अलामत है नमाज से गाफिल होने वाले की कबर में सजा समरा बिन जुंदुब कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाब बयान करते हुए फरमाया जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था वो कुरान का हाफिज था मगर वो कुरान से गाफिल हो गया और फर्ज नमाज पढ़े बगैर सो जाया करता था स्थाथ ल्ला, स्थाथ ल्ला। बे नमाजी कामान का और उबई अब खलफ के साथ अंजाम। एक दिन अभी ने नमाज का जिक्र करते हुए फरमाया जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करेगा तो वो उसके लिए रोशनी दलील और निजात का सबब नहीं बनेगी और वो शख्स के आमद के दिन कानून फिरौन हामान और उबै अबन खलफ के साथ होगा नमाजों को जया करने वालों के लिए वेल फवाइल उलमुसिन तम साहून बस ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाज ऐसी गाफिल रहते हैं। बिन है बिन सात कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से कहा अब्बा जान अल्लाह तबारक वाल का ये फरमान है अल्लावी नहम अंसला तिह साहून तो हम में से कौन है जो नहीं भूलता और किसके दिल में ख्याल नहीं आते उन्होंने कहा इसका ये मतलब नहीं बल्कि इसायद से वक्त का जया करना मुराद है कि वो फजूल कामों में लगा रहे यहां तक के वक्त जाया कर दे ये है साहून, देर करके पढ़ना नमाज छोड़ना अहले जहन्नम की सिफत है। हैमन को मिनल मुसलिन जन्नत वाले जहन्नम वालों से पूछेंगे तुम्हें क्या चीज दो जख् में ले गई वो कहेंगे हम नमाज अदा नहीं किया करते थे तो नमाज क्या है असला तो इमादुद्दीन दीन का एक पिलर है तो जिस इमारत का पिलर ही गिर जाए वो इमारत बाकी रहती है और फिर अंजाम क्या तो नमाज को हल्का नहीं समझना चाहिए ये मत सोचे इंसान के कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता है